हेलो फ्रेंड्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयल्सम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कुछ ट्रिक्स मैंने बताई थी जिससे क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। जिन्होंने भी नहीं देखी हो तो वो मेरे चैनल पर जाके कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। पार्ट सेकेंड रिलेटेड है आज हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आप सभी जानते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे कि ये आती किस तरह से है। और इससे पहले मैं बता दूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उसमें ट्रिक्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सभी चीज को मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया है। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर ट्रिक्स अच्छी लगें आपको तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 का क्यूब रूट हमने x के इक्वल ले लिया, दोनों साइड का क्यूब कर दिया तो 1 = x³। इसको हम लिख सकते हैं x³, इसको इधर ले जाएं तो -1। 1 को 1 का क्यूब लिखते तो a³ - b³ का फॉर्मूला यूज किया तो a² + b² + ab, ये फॉर्मूला यूज करके हमने ये बना लिया। तो एक फैक्टर तो ये हुआ हमारा x - 1 = 0, इससे हमें क्या मिल गया x = 1। एक फैक्टर आया हमारा x² + x + 1 = 0 रखेंगे और इसमें डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा दें। डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या होता है? ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए होता है -b + √b² - 4ac/2a। ए बी सी की वैल्यू हमने यहां से निकाल के इसमें रख दी तो देखिए रूट के अंदर -3 आएगा, तो ये कैसा हो गया? इमेजिनरी नंबर। -1 को i² से रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी -1 + √3i/2। तो प्लस वाली वैल्यू अलग लिख ली, माइनस वाली, तो इसको कहते हैं हम ओमेगा और इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो 3 हमें क्यूब रूट मिले, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर यानी तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होगा और ओमेगा की पावर 3n, n क्या है? कोई भी इंटीजर, तो 3 के मल्टीपल में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो आइए देखिए क्वेश्चंस में इनको किस तरह से यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्यूब रूट, इफ क्यूब रूट ऑफ 1 इज ओमेगा देन द वैल्यू ऑफ 3 + ओमेगा + 3ω² / 4। तो ये दे रखा है हमें 3 + ओमेगा + 3ω² / 4, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें और इसमें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया तो 1 + ओमेगा² और ये वाला ओमेगा यहां आ गया, इसकी होल पावर 4। अभी मैंने पीछे बताया 1 + ओमेगा + ओमेगा² किसके बराबर होता है? 0 के। तो 1 + ओमेगा² यहां से किसके बराबर हुआ? -ओमेगा। तो यहां वैल्यू लगा दी तो -3ω + ω⁴। तो ये कितना मिला? -2ω⁴। -2 की पावर 4 करेंगे तो माइनस की पावर इवन है तो ये तो प्लस हो जाएगा 16 × 2⁴ ω⁴। ω⁴ को ω³ √3 × ω⁴ लिख सकते हैं तो ω³ तो क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमें क्या मिलेगा? ω⁴ को जब हम ω³ √ω में ब्रेक करेंगे तो ω³ तो 1 हो जाएगा, तो बचा क्या? ओमेगा। तो ये आंसर क्या आ गया? 16 ω। तो आंसर होगा हमारा सी। सेकेंड क्वेश्चन, इफ ω = -1 + √3i/2 देन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कह रहा है। तो देखिए a + b ω + c ω² ये है और नीचे है b ω +
सी ओमेगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो नीचे ए के साथ क्या है ओमेगा स्क्वायर और ऊपर ए के साथ ओमेगा नहीं है। तो अगर मैं ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, ओमेगा स्क्वायर यानी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा की पावर फोर, तो ओमेगा की पावर फोर किसके बराबर होता है ओमेगा के बराबर, तो ये हो जाएगा और नीचे बचा हमारा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर नीचे ये सेम आ गया, ये कैंसिल प्लस ऐसे इसमें देखिए इसमें सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा, तो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब तो वन हो जाएगा अपॉन नीचे वाला बाहर रहने दिया, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसको बाहर रख दिया और ये क्या है सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी ऊपर नीचे सेम आ गया, तो हमारा क्या बचा वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर, ये इससे निकालेंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा माइनस वन और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी इसमें हमने ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, इसमें ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, तो हमारे आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, इफ ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ टू इंटू ओमेगा प्लस वन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, थ्री इंटू टू ओमेगा प्लस वन टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, अगर मैं एन इक्वल टू वन ले लू, nth टर्म ये है, n इक्वल टू अगर 1 लेता हूं तो यहां 2 मिलेगा, ये ओमेगा प्लस 1 और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी फर्स्ट टर्म हमें सिर्फ ये मिलेगी n इक्वल टू 1 लेने पर, तो n इक्वल टू 1 लेने पर हमें क्या मिलेगा 2 ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये मिला, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, तो ये तो जीरो के बराबर हो गया और टू इंटू वन प्लस जीरो, तो ये आ गया टू के बराबर। अब एन इक्वल टू वन रखने पर जिस ऑप्शन से हमें टू मिल जाए वही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने एन इक्वल टू वन रखने पर ये टर्म मिल रही थी, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई टू, तो ऑप्शन में n इक्वल टू वन रखने पर जिस ऑप्शन से हमारा टू आ जाएगा वही सही है। अगर हम इस पहले ऑप्शन में रखते हैं n इक्वल टू वन, वन रखेंगे तो वन इंटू टू डिवाइड बाई टू, तो वन का स्क्वायर, n इक्वल टू वन रखा तो वन प्लस वन बाई टू और प्लस n की जगह वन रखा, ये इससे ये कट जाएगा वन टाइम, तो वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें टू मिल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ओमेगा इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी अदर देन यूनिटी, यानी वन के अलावा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर एन माइनस वन। तो देखिए इसमें भी वही करेंगे, अगर मैं एन इक्वल टू टू ले लेता हूं, एन इक्वल टू टू ले लूं
तो यहां पर क्या मिलेगा, या n इक्वल टू 3 ले लीजिए, n इक्वल टू 3 लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, जीरो के। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। या हम इसे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या बन रही है, जीपी। तो जीपी के एन टर्म का सम कितना होता है, ए आर कितना है इसमें, ओमेगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ओमेगा माइनस वन, और ओमेगा की पावर एन किसके बराबर होगा, वन के, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये इससे भी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो डायरेक्ट एन इक्वल टू थ्री रखें और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो हम ये रख, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स, इन सब का प्रोडक्ट, देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अप टू एन, तो ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर एन एन प्लस वन बाई टू। जब हम एन इक्वल टू वन रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, वन रखने पे ओमेगा, टू रखेंगे तो एन इक्वल टू टू रखेंगे तो ओमेगा क्यूब, एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो एन इक्वल टू थ्री रखने पर ये फोर हो जाएगा, फोर इंटू टू यानी ओमेगा की पावर सिक्स, एन इक्वल टू फाइव रखने पर इसी तरह से एन इक्वल टू ये वन हो जाएगा, फाइव रखने पर फिर ओमेगा मिल जाएगा हमें, तो वन और ओमेगा हमें मिलते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे जब तक हम वैल्यू रखते रहेंगे। तो वन तो है ही है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, तो इसका ऑप्शन डी होगा जिसमें कह रहा है वो बी एंड सी बोथ, तो बी और सी बोथ वन और ओमेगा आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू वन इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द सम। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एस इक्वल टू वन प्लस टू ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू थ्री एन ओमेगा की पावर थ्री एन माइनस वन। ये एजीपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक दोनों एक साथ हैं, तो इसे किस तरह से करते थे, एस में ओमेगा की मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू ये हो जाएगा थ्री एन ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर थ्री एन, माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, वन माइनस ओमेगा एस इक्वल टू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और माइनस में लास्ट में थ्री एन ओमेगा की पावर थ्री एन। तो ये तो वही बन गया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी कितनी थी, जीरो, और ये आ गया माइनस का थ्री एन,
और ओमेगा की पावर 3n, ओमेगा की पावर 3n किसकी बराबर है, एन के 3 के मल्टीपल में तो 1 के, तो ये कितना आ गया माइनस 3n। तो यहां से s की वैल्यू कितनी मिली, s इक्वल टू माइनस का 3n अपॉन 1 माइनस ओमेगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो 3n अपॉन ओमेगा माइनस 1, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये 3n अपॉन ओमेगा माइनस 1। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i, तो देखिए यहां से x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 लिख सकते हैं, जो किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की, तो x किसके बराबर है ओमेगा के बराबर है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो रख दीजिए x की वैल्यू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की होल पावर 6 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा पहली वाली कंडीशन से, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 माइनस, और ये हो जाएगा, ये दोनों कर लेंगे तो माइनस ओमेगा के बराबर, तो माइनस 2 ओमेगा की होल पावर 6, ये कितना आ जाएगा 64 ओमेगा की पावर 12, तो ओमेगा की पावर 12 3 के मल्टीपल में 0 हो जाएगा, और माइनस ये भी 64 ओमेगा की पावर 6 वो भी 3 के मल्टीपल में है तो वो भी 1 हो जाएगा, तो ये 64 माइनस 64 यानी 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन तो देखिए ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा की होल पावर 3, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के की होल पावर 3, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस ओमेगा के इनटू ओमेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 माइनस की पावर 3 माइनस बाहर आएगा, तो माइनस ये 1 हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 तो ओमेगा स्क्वायर बचा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, तो ये आंसर भी हमारा क्या है 0। अब देखिए ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होगा, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, तो माइनस 2 ओमेगा की होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5, तो माइनस 32, 2 की पावर 5 32 होगा, और माइनस में है ऑड पावर है तो माइनस आएगा ओमेगा की पावर 5 और माइनस 32 ओमेगा की पावर 10, तो माइनस 32 ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर तो इसमें से बचा, और ओमेगा की पावर 9 1 के बराबर होगा क्योंकि 3 के मल्टीपल में 9, तो यहां क्या बचेगा सिर्फ ओमेगा, तो माइनस 32 कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके बराबर होगा माइनस 1 के, तो माइनस 32 इंटू माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। अब आते हैं इस पे, इक्वल टू 0 वेयर जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए इसका पीछे हमने रूट निकाला था तो क्या आए थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो जेड की जगह हम क्या ले रहे हैं ओमेगा, तो जब हम जेड प्लस 1 अपॉन जेड ये करेंगे इसका होल स्क्वायर
तो कितना आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 z प्लस z स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस तो ओमेगा ले रहे हैं तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 तो ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ये किसके बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के और नीचे ओमेगा स्क्वायर तो माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इसी तरह से z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे वो भी 1 आएगा लेकिन z क्यूब वाले में z क्यूब ओमेगा क्यूब तो 1 और 1 2 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर सॉरी ये सभी स्क्वायर्स हैं स्क्वायर स्क्वायर तो इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो इसकी वैल्यू और 6 वाले की वैल्यू क्योंकि ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा ओमेगा की पावर 6 1 तो 1 1 2 हो गया 2 का स्क्वायर 4 तो इनका तो 4 आएगा और बाकी सभी के 1 1 आएंगे जैसे हमने ये सॉल्व किया तो 1 पावर के लिए 1 2 के लिए 1 3 के लिए 4 4 के लिए 1 5 के लिए 1 और 6 के लिए 4 तो ये आ जाएगा टोटल तो ये कितना हो गया 12 तो आंसर हमारा क्या होगा 12 ये नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस तो देखिए ये क्वेश्चन वही है पहले वाली इक्वेशन जिसके रूट्स आए थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो अल्फा की पावर 7 वो कह रहा है कि किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 19 होंगे तो अल्फा की पावर 7 मींस ओमेगा की पावर 7 तो ओमेगा की पावर 6 तो 1 हो जाएगा क्या बचा ओमेगा तो अल्फा की पावर 7 किसके बराबर ओमेगा के बराबर जो अल्फा ही आ गया और बीटा की पावर 19 यानी स्क्वायर की पावर 19 यानी ओमेगा की पावर 38 तो 36 पावर 3 की मल्टीपल होगी तो वहां तक तो 1 हो जाएगा बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर जो बीटा था और जो बीटा है वही बीटा की पावर 19 है तो रूट्स सेम है इसका मतलब तो इक्वेशन भी सेम रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो वही इक्वेशन होगी जो इसके रूट अल्फा बीटा के लिए थी वही इक्वेशन अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 रूट्स के लिए रहेगी अब देखिए ये है क्वेश्चन इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है अगर मैं देखिए इसमें यहां 1 माइनस आई है यहां प्लस का 1 और माइनस का आई तो अगर मैं R2 को R2 माइनस R1 माइनस R3 कर लूं R1 को ही कर ठीक है ठीक तो R2 माइनस R1 तो 1 से 1 कट जाएगा ये प्लस होगा माइनस में आएगा तो प्लस तो ये क्या मिला 0 R2 माइनस दिस यानी R2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस I और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आर थ्री किया तो प्लस का आई माइनस का ओमेगा और प्लस का 1 अब देखिए इसे सॉल्व करें तो आई से तो आई कैंसिल हो गया 1 से
एक वन कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लें तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, जीरो। तो यानी सेकंड एलिमेंट भी जीरो आया। थर्ड में आए आर टू माइनस आर वन और माइनस आर थ्री, तो ये भी कट गए जीरो। तो एक रो पूरी जीरो हो रही है डिटरमिनेंट की, तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर एक रो डिटरमिनेंट की पूरी जीरो हो रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका आंसर जीरो होगा। अब आते हैं इसमें, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंथ रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा की पावर एन तक कह रहा है। तो देखिए, मैं अगर एन इक्वल टू थ्री ले लूं, यहां थ्री रखेंगे तो क्या मिलेगा, टू। तो हमें वन माइनस ओमेगा और वन माइनस ओमेगा स्क्वायर सिर्फ इतनी वो लेनी होगी एन इक्वल टू थ्री पर। तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, तो ये आ गया कितना, वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस वन। तो वन माइनस, ये माइनस वन होगी इसकी वैल्यू, तो प्लस वन और प्लस वन, तो कितना आ गया, थ्री। तो हमें एन इक्वल टू थ्री रखने पर क्या मिल रहा है, थ्री मिल रहा है। तो ऑप्शन में एन इक्वल टू थ्री रखने पर जिससे थ्री आ जाएगा वही सही होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा। एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो थ्री आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा इसके लिए। अब देखिए इसमें आते हैं, वन इंटू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वन इंटू टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, तो देखिए यहां वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन, ये टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये थ्री माइनस ओमेगा एंड थ्री माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से लास्ट में एन माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें भी वही करते हैं, अगर मैं एन इक्वल टू टू ले लूं तो हमें क्या मिलेगा, टू रखेंगे लास्ट टर्म में, तो ये टू इंटू टू माइनस ओमेगा, नहीं यहां रखेंगे तो एन माइनस वन है तो वन मिलेगा टू रखेंगे तो, और ये टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ये मिला। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल रही है ये वाली, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो वन इसकी वैल्यू माइनस वन होगी तो प्लस टू हो जाएगा और प्लस वन ये, तो कितना मिला हमें, फोर मिला। अब ये देख लीजिए एन इक्वल टू फोर किस ऑप्शन से मिल रहा है हमें, एन इक्वल टू फोर क्या रखने पर, एन की वैल्यू टू रखने पर, एन इक्वल टू टू रखने पर। तो अगर मैं इसमें रखता हूं बी में, वन अपॉन फोर वन इंटू टू इंटू फोर प्लस सिक्स प्लस फोर, एक मिनट, एन इक्वल टू हमने रखा था टू, तो ये टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टू माइनस ओमेगा टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अच्छा ये मैंने सॉरी ये गलती हो गई, ये टू नहीं, ये फोर था वन नहीं था हमने, तो ये फोर और ये फोर, तो ये आएगा सेवन सेवन। तो n इक्वल टू टू रखने पर सेवन आना चाहिए, ये फोर था, यहां कंफ्यूजन हो गया वन।
तो n इक्वल टू 2 पर हमें क्या मिल रहा है 7, तो n इक्वल टू 2 रखने पर हमें इससे ये 2 और ये कितना आया 14, तो 1/2 × 14 तो इसी से मिल गया 7, तो b आंसर हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर मैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -2 ले लूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोई भी ऐसी वैल्यू ले लें जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और वो इसमें रख दें, तो जब हम इसमें रखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा का होल क्यूब, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ये माइनस ओमेगा हो जाएगा माइनस 3 ओमेगा का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस का 27, ये तो 1 हो जाएगा ओमेगा और ये भी माइनस का 27, माइनस का 54। अब ए बी सी की वैल्यू जो हमने ये ली थी, ये रखने पर जिस ऑप्शन से 54 आ जाएगा वही आंसर करेक्ट होगा, तो ये था 27 ए बी सी। अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं इंटू 1 इंटू 1 इंटू -2 तो -54 हमें मिल रहा है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन जिसमें हर तरह की ट्रिक यूज करके आपको बताए हैं, अगर सभी क्वेश्चंस को आप करेंगे तो काफी यूजफुल आपके लिए ये हो सकते हैं एग्जाम टाइम में। थैंक यू।